सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो भाई बहुत अलग होने वाली है। बहुत दिन से इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा था, तो फाइनली इसके बारे में वीडियो है। ड्यूक 200। सो प्रेजेंट बाइक के बारे में बात करेंगे एंड अपग्रेड के बारे में बात करेंगे कि बाइक में कुछ अपग्रेड होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, आपको रुकना आपका वर्थ होगा कि नहीं, क्योंकि बाइक में शायद अपग्रेड हो शायद ना हो। सो वो मैं तो आपको नेक्स्ट अब बताऊंगा। सो इसके बारे में वीडियो, और भी आपको कुछ चीज़ें इस बाइक के बारे में बतानी है। ड्यूक 200 से एक छोटा सा रिव्यू होगा एंड आपको अपग्रेड के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये है, आपको पहले थोड़ी सी समरी बता दी। एंड अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना एंड शेयर करके जाना। तो इतना सा आप मेरे लिए हेल्प कर दो, मेरी मेहनत आपको लोग सपोर्ट करो, एंड इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सपोर्ट करना, शेयर करना वीडियो को। सो अगर आपको 790 का अगर लॉन्च देखना है दिल्ली में, जो होता है सीपी के शोरूम में, सो वहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पे कार्ड्स में आप चेक कर सकते हो और वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो वीडियो सेल्फ प्रमोशन। सो अब बात करते हैं इस बाइक के, ड्यूक 200 की। तो एक चीज़ जो भी भाई मैं इस बाइक बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप इंटरनेट पे खुद सर्च कर लेना अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर मैं अपने घर पे ही न्यूज़ बना रहा हूँ बैठ के, क्योंकि लगता है कि लोग कहते हैं तू भगवान है, तू खुद ही ये है वो है। सो आप खुद चेक कर लेना, कुछ अच्छी वेबसाइट होती हैं, मतलब कि जो मतलब हर चीज़ ये बेफालतू में अपलोड नहीं करती, उनको लगता है कि अपलोड करने लायक है, मतलब पोस्ट करने लायक है, तो वो ही पोस्ट करती हैं। उन पे भी ये इसके बारे में आया हुआ है, तो आप खुद चेक कर लेना ड्यूक 200 2020 मॉडल लिख कर, ठीक है? तो बाकी आप पे डिपेंड है, आप इसको सीरियसली लेते हो नहीं लेते हो। भाई मेरे को था, मैं कुछ और वीडियो भी डाल देता, एक्चुअली मैं कुछ और वीडियो ही डाल रहा था, वो तो मैं इस पे बना रहा हूँ, ठीक है? आपको बाकी कैसा भी जो भी है जज करना है आपको करना है। सो अब बात करते हैं इस बाइक की। मैंने एक वीडियो बनाई थी NS250 एंड ड्यूक 250 के, वो जो नेक्स्ट अपग्रेड होंगे, मतलब कि 250 तो आई नहीं है, NS250 तो आई नहीं है, 250 2020 की मॉडल की बात कर रहा हूँ। सो मैंने कहा था, राहुल सर बोल रहे थे कि 200 को 250 या 390 के इंस्पायर डिज़ाइन दिया जाएगा, उसके जैसी दिखेगी ये बाइक, जो करंट डिज़ाइन है उसको हटा के वैसा आएगा। सो इस बात में कितनी वो है, मतलब कि लीक्स रूमर्स के हिसाब से ये बात सच है कि नहीं है, वो मेरे को एक चीज़ बतानी है, और भी जो है डिटेल इस बाइक के बारे में वो बताऊंगा। सो करंटली तो बाइक ड्यूक 200 2019 बता दूं, अगर आपके पास पैसे हैं, बेस्ट 200 सीसी की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो ये है। हीटिंग और थोड़ी सी कंफर्टेबल, जो कि आप कुशनिंग आप इसके मतलब करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो उसकी, बाकी तो बहुत अच्छी बाइक है। पावर इसमें बढ़िया है, इसमें वेट इस बाइक का कम है, और हर चीज़ बढ़िया है इस बाइक में, तो आप देख सकते हो अगर आपको नहीं अब रुक नहीं सकते। और एक चीज़, 790 का जब वो हुआ था लॉन्च कल परसों ही, तो वहाँ पे एक सर ने एक चीज़ बताई थी, एक छोटी सी क्लिप है, ये आप देख लो। और मे बी नेक्स्ट ईयर, नॉट टू श्योर, बट मे बी द एडवेंचर इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन, सो यू विल बी सीइंग, यू विल बी सीइंग मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर कमिंग नाउ, मोर ऑफ द बिग बाइक, ऑफ द बिग बाइक्स, एंड द बिग बाइक्स यू नो मींस टू हैव बिग हार्ट्स, बिग पॉकेट्स। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे सर ने बोला बिग बाइक्स, सो थोड़ी मतलब हाई सीसी की बाइक आएंगी। KTM का प्लान है और भी मार्केट में बाइक लॉन्च करने का, बिकॉज ये KTM कंपनी में काम करते हैं, इनको थोड़ा सा फ्यूचर मतलब कि जो भी फ्यूचर प्लान है KTM का इंडिया में वो पता होता है, तो इन्होंने शेयर करा और मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब ड्यूक 200 2019 आने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट है। अगर आपको इन डीप पूरा रिव्यू चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात करते हैं 200 2020 मॉडल की। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी 250 या NS250 ऐसे करके थी, कार्ड्स में आ रखा होगा, अभी आप क्लिक कर लेना, चेक करना वो वीडियो। उसमें मैंने बोला था कि राहुल सर बोल रहे थे कि इसका जो वो है जो डिज़ाइन है वो 200 का जो डिज़ाइन है वो 250 या 390 से इंस्पायर होकर चेंज करा जाएगा, जो अब जो करंट आप देख रहे हो पुराना वाला वो हटा देंगे। तो ये एज पर लीक, मेरे को पता नहीं थी वो न्यूज़, मेरे को मतलब उन्होंने बता दी, वरना मैं उस वीडियो में वो डालने वाला ही नहीं था, उन्होंने बता दिया तो मैंने उस वीडियो में डाल रखी है वो बात कि 200 का डिज़ाइन चेंज होगा। तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है, वो KTM में काम करते हैं तो भाई उनको पता होगा, सिंपल बात, ठीक है? तो अब ये हो गई इसके बारे में कि मेजर डिज़ाइन होगा 250 या 390 से इंस्पायर, तो डिज़ाइन अब बहुत जल्दी आपको चेंज दिखेगा इस बाइक का। सो इसका जो डिज़ाइन है वो ही मेजर अपग्रेड होएगा, एक जो सबसे पहली देखी जाएगी 200, तो वो 250 या 390 से इंस्पायर होगा। सेकंड है, इस बाइक की सीट्स थोड़ी सी वाइड करी जाएंगी, जैसे 250 में देखते हो 390 में देखते हो वैसे आपको सीट्स मिलेंगी, थोड़ी कंफर्टेबल मिलेगी, 200 की थोड़ी इतनी नहीं है प्रेजेंट बाइक की। एंड सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग
एक पॉइंट है जो इस दो इन इस बाइक का चेंज करा जाएगा। तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, चार पॉइंट हो गए इस बाइक के जो कि चेंज करे जाएंगे। तो यही है, सो चार मेजर अपग्रेड इस बाइक पे थे, डिज़ाइन, ब्रेकिंग, सीट एंड सस्पेंशन। ये चार चीज़ें जो इस बाइक में चेंज करके 2020 में ड्यूक 200 को लॉन्च करा जाएगा। एंड सून आपको ये जल्दी देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ अपग्रेड, जैसी कुछ भी अपडेट आता है ना मेरी तरफ से, आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी। तो आप इसके लिए स्टे ट्यून रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो अपडेटेड मैं रखूँ आपको KTM के, उसकी आपको स्ट्रेस लेने की नहीं है कि भाई क्या है ये है वो है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लेनी है कि नहीं लेनी है, सिंपल सी बात है। अब सीधा पॉइंट पे कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप वेट नहीं कर सकते, तो ड्यूक 200 अभी भी बहुत ही बेस्ट बाइक है, 200 cc की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। आप खुद चला के देखो, आपको पावर फील होगी, इसका लाइट वेट और इसको कंट्रोल करना बहुत ईजी है। तो आप खुद ही इसको मतलब चलाओगे ना, आपको कि अभी मैं ख़रीद लेता हूँ, मस्त बाइक है बहुत। टेस्ट राइड एक बार ही आप खुद ले लेना, आपको अपना कंफर्ट लेवल भी पता चल जाएगा कि कैसी बाइक है, ठीक है। बाकी अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, क्योंकि आप मेरे से तो पैसे लेके जाने वाले नहीं हो, और ना ही मैं आपको हाथ पकड़ के रोक रहा हूँ कि भाई रुक जा मत ले। अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, सुन इसके ऊपर जल्दी क्या पता डेट भी आ जाए, जैसे 790 का 23 तारीख आ गई थी कि 23 सितंबर को लॉन्च होगी, थोड़ा पहले ही पता चल जाता है सबको, लीक्स रूमर्स, तो इसके बारे में पता चल जाए कि एटलीस्ट इस मंथ में आ रही है। डेट ना पता चले, मंथ तो पता चले 2020 में कब। तो अगर आप रुक सकते हो रुक जाओ, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहे मेरी तरफ से। अभी जब आप इतना रुके हो तो थोड़ा सा और सही, 2020 आने वाला है, 19 तो ख़त्म ऑलमोस्ट, 3 महीने बाकी। तो इसी यही था इस वीडियो में, अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट मत रखना, ये बाइक को चला लो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ होती है डाउट को क्लियर करना आप खुद चला के। और बाकी 250 200 अगर आपको उस पर भी चाहिए तो भाई वो भी बना देंगे, उसकी भी कोई स्ट्रेस मत लो। 2020 या फिर अभी करंट की 19 तो आपको चाहिए तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी जैसा भी आपको इसमें था कि डिज़ाइन चेंज है, पावर डिज़ाइन पावर के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी नहीं था, सर ने भी नहीं बताया कि पावर चेंज होगी, पावर के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। और डिज़ाइन चेंज है इसका, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, सीट्स, ये चेंज हुई कि बाइक में। और अगर आपको और भी कुछ भी पूछा हो, कोई भी इसके आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको रिप्लाई मैं आराम मतलब दे ही देता हूँ आपको सबको। और बाकी इंटरनेट पर आप खुद भी सर्च करना, मेरी तरफ से तो भाई आप सर्च कर ही लेना, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एंड बताना आपको पूरा इन डीप चाहिए कि नहीं, 2019 पे पोल क्रिएट करा है उस पर देख लेना। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना देखो आपके रिलेटिव मतलब जो आप बोलते हो वही वीडियो मैं क्रिएट करता हूँ, सो आप शेयर करना इस वीडियो को। एंड और अपडेट होंगे तो मैं आपको मतलब इस बाइक के ऊपर तो मैं आपको अपडेट करूँगा वीडियो के थ्रू। एंड इंस्टा पर भी फॉलो करना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।